हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर, ओके चलिए, कल जो भी मेमोरी के बारे में बताया था मैंने, थोड़ा बेसिक वो क्लियर है आपको? जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसका स्ट्रक्चर था, उसकी इंटरफेसिंग थी। साथ ही साथ मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि हम लोग कैसे, मतलब हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर होता है कैसे एक्सेस करता है मेमोरी को और कैसे उसमें राइट करता है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें क्लियर? सर। चलिए, और भी थोड़ा सा लोगों को आ जाने देते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। बहुत कम लोग हैं, 16 लोग हैं। ओके सर। तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। ओके सर। ठीक, चलिए। मेमोरी में एक मेजर कैटेगरी ये भी होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग रॉम भी बोलते हैं, और रीड एंड राइट मेमोरी या री राइटेबल होती है ना, इसको री राइटेबल भी यस बोलते हैं। तो दो मेजर कैटेगरी हमारी ये भी है, ठीक है। पहले जो कैटेगरी दिखाई थी वो अलग है, पता है, उन्हीं में ही एक कैटेगरी ये भी है कि कुछ मेमोरीज हमारी क्या होती हैं, वो रीड ओनली होती हैं, और कुछ में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा राइट भी कर सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि जब हम लोग सीडी, अगर आप लोग, वैसे बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हमने क्या किया था, पहले सीडीज चला करती थी, नई नई आई थी, और उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रिराइटेबल सीडीज भी आई। तो एक सीडी होती है जिसमें हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, डेटा स्टोर कर देते हैं, तो उसके बाद हम उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी यस तरह की होती थी फिर रिराइटेबल होती थी, उसमें हम लोग उसको नॉर्मल अपने अपने कामों में यूज में लाते थे कि उस पर एक बार राइट कर दिया, उसके बाद उसको रेज कर दिया, फिर से हमने राइट कर दिया, फिर ठीक है। तो इस तरह की भी होती थी, तो इस तरह की जो भी होती है उसको हम रिराइटेबल बोल सकते हैं, और जिनमें हम एक बार स्टोर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कभी भी हटा नहीं सकते, उसमें दोबारा राइट नहीं कर सकते, तो वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, जैसे कंप्यूटर में भी जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है, या बूट यस बूटेबल जो मतलब जो बूट स्ट्रैप्स होते हैं, जहाँ जिससे बूट होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा यस हूँ मैं अभी, जिससे हमारा सिस्टम चलता है, ठीक है, तो वो भी जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, तो वो क्या होते हैं, रीड ओनली मेमोरी का ही पार्ट होते हैं, मतलब वो उसी में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यहाँ लिखा हुआ है, उससे बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एक मेमोरी कैसे हो गया। जब आप अभी रॉम पढ़ोगे तो उसमें यही दिखाया गया है कि मतलब इसका नेचर क्या है, उसको जब एक बार फिक्स कर दिया गया तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल में तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो एक इस तरह का एग्जाम्पल है वो, कि हम लोग इसको एक बार जो फिक्स हो गया उसको हम लोग जो भी सर्किट बना दिया, ठीक है, वही लेके चलेंगे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये एक इस कैटेगरी में आ गया, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि दो तरह की मेमोरीज होती हैं यहाँ पर, जब रीराइटेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो कैटेगरीज निकल के आती हैं, एक क्या होती है सिक्वेंशियल मेमोरी और सीक्वेंशियल एक होती है रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ट्रैप। तो सिक्वेंशियल, जैसे आपने शिफ्ट रजिस्टर देखे थे, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग जो डेटा स्टोर करते थे या डेटा एक्सेस करते थे, तो वो वन बाय वन, मतलब एक एक करके हम आगे शिफ्ट होते थे, ठीक सर। है। तो उस तरह की मेमोरी ये होती है सिक्वेंशियल मेमोरी। और एक एग्जांपल के तौर पर देख लो, जब भी हम लोग सीडी में गाना प्ले करते हैं, ठीक है, या फिर अपना जब भी हम लोग पहले क्या करते थे, हम फॉरवर्ड करते थे, तो जैसे जो कैसेट्स आती थी तो उसमें हम लोग फॉरवर्ड करते थे, फिर वहां तक उस लोकेशन तक जाते थे, तो वो कैसे करते थे, अचानक तो नहीं पहुंच जाते हैं,
तो हम लोग फॉरवर्ड करते करते जाते हैं। अभी मूवीज जो होती हैं, मूवीज के अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसमें किसी भी लोकेशन तक हमें जाना है अगर, तो हमें धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। अचानक हम लोग नहीं जाते हैं जब हम लोग टीवी में चलाते हैं उसको, ठीक है। कहने को तो वो हम लोग पेन ड्राइव से चलाते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे करके एक सीक्वेंस में जाना पड़ता है। हम अचानक नहीं पहुंच सकते वहां पे, ठीक। या कोई भी सॉन्ग हमें प्ले करना है, तो जो हमें सॉन्ग प्ले करना है सीडी पे जैसे होता है, तो उसमें हमें जैसे 7 सॉन्ग हमें प्ले करना है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हमका होता है रिमोट से, तो हम कह देते हैं 7, लेकिन वो करता क्या, वो कैसे रीड करता है, जो प्लेयर चलाता है वो पहले 1 2 3 4 5 6 7 तब पहुंचता है, अचानक वो 7 पर नहीं पहुंचता है। इतनी प्रोसेस हम लोग को पता नहीं चल पाती है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में काम करता है। तो उस तरह की मेमोरी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल मेमोरी। उसमें एक्सेस टाइम जो होता है वो डिफरेंट लोकेशंस के लिए, सपोज हमने 10 सॉन्ग्स स्टोर करके रखे हुए हैं, तो जो 10th सॉन्ग होगा, जो फर्स्ट सॉन्ग होगा वो तुरंत चल जाएगा, लेकिन जो 10th सॉन्ग होगा वहां तक पहुंचने में उसको लगेगा टाइम थोड़ा सा। तो एक्सेस टाइम क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। तो ये फीचर किस में देखने में मिलता है, या तो मैग्नेटिक टेप या तो सीडी, ठीक है। इनमें हम लोग सीक्वेंशियल मेमोरी को यूज करते हैं, ये सीक्वेंशियल मेमोरीज होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सीक्वेंशियल मेमोरी की, ठीक है। अब होती है बात रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ही यही हो रहा है, रैंडम एक्सेस, कि हम कहीं पर भी किसी भी समय पे। रैंडम का मतलब क्या होता है, कि रैंडम मतलब किसी इंसान का, अगर कोई इंसान अगर उसका नेचर रैंडम है, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, आप जज ही नहीं कर सकते, ठीक है। सवेरे उठ के पहले खाने लगेगा, उसके ऊपर है ना, ठीक है। रोने का समय है तो वहां पर हंसेगा, तो उसी तरह से यहाँ पर फिलहाल मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होता है कि हम लोग किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अगर जाना चाहते हैं, तो रैंडमली हम लोग पहुंच सकते हैं, हमने सेलेक्ट किया उस लोकेशन पे पहुंच गए। जैसे यहाँ पर अगर जो भी हमारा डेटा सेव है, तो हम क्या करते हैं, हमने तो क्या किया, अभी भी हम 7 नंबर का सॉन्ग चलाना चाह रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इसमें ये जो मेमोरी है रैंडम एक्सेस है, तो इसमें हम किसी भी लोकेशन, वो जो प्लेयर होता है वो चलाता कैसे है, वो डायरेक्टली वहां तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी लोकेशंस होती हैं, जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, या जितनी भी डेटा स्टोर होता है, वहां तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसका, वो सबका सेम होता है। एक बार में एक ही को सेलेक्ट करेगा, वो पहला सॉन्ग चलाना है या 10th सॉन्ग चलाना है, तो दोनों तो बार पहुंचने का जो उसका टाइम होगा, एक्सेस करने का टाइम होगा, वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस तरह की मेमोरीज बनाई गई हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ यही बोला गया, एक्सेस टाइम फॉर एवरी लोकेशन इज सेम, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव में हम लोग कोई भी स्टोर करके चलते हैं, तो हम अचानक पहुंच सकते हैं, मतलब तो हम तो क्या, हम तो वैसे भी रिमोट से वही देते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्लिक करके नहीं जाना पड़ता है, हम डायरेक्टली मतलब जो प्लेयर होता है वो डायरेक्टली पहुंचा देता है उसको। चलो ये फिलहाल बहुत हो गया इसके लिए। फिर आती है बात सेमीकंडक्टर रैम, ठीक है। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल मेमोरी की बात कर रहे थे, उसमें आप क्योंकि आपके सिलेबस में जो है रैम है, ठीक है, रैम में भी 2 कैटेगरीज हैं, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं रोम पे, मतलब पीएलडी डिवाइसेस होती हैं जो प्रोग्रामेबल होती हैं, ठीक है, वो भी हम जब बताएंगे तब समझोगे। तो उसी में हम लोग रोम भी पढ़ेंगे, ठीक है, पीएलए पीएल ये सब पढ़ते हैं, प्रोग्रामेबल डिवाइसेस जो होती है वहां पढ़ेंगे। बट हम इसको पहले खत्म कर लेते हैं जो रैम है, क्योंकि ये अलग ही एकदम, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर रैम, अब रैम को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, लोगों ने कंप्यूटर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती रहती है, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, ठीक है। वोलेटाइल होती है, ये कभी भी डिलीट हो सकती है, ठीक है। जब तक हमारा टास्क चलेगा तब तक वो रहेगी, या इसको रन टाइम मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक हमारा टास्क चलेगा, जब तक रन टाइम रहेगा, तब तक वो क्या कर रहेगा, उस डेटा को स्टोर करके रखेगा। लेकिन जैसे पावर ऑफ होता है, ठीक है, पावर ऑफ होता है, या फिर हम लोग उस ऐप को बंद करते हैं पूरी तरह से, आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे क्या होता है, मोबाइल पे हमने कई सारे टास्क खोल रखे हैं एक साथ, लोगों का हैंग क्यों करने लगता है,
क्योंकि आपकी मेमोरी रैम कितनी है, 4 GB है, ठीक। आपने उसमें यूट्यूब चलाया हुआ है, यूट्यूब 500 MB खा रहा है, आपने फेसबुक भी चलाया हुआ है, 400 MB वो खा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 10 ऐप अगर चला दोगे तो क्या होगा, रैम तो पूरी फुल हो गई, तो आगे का टास्क ये कैसे तो करेगी, क्योंकि वो पीछे बैकएंड में वो चल रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास, हम वहां जाते हैं और एक एक करके हम क्लियर करते रहते हैं। तो देखते नहीं, तुम लोग भी क्लियर करते होंगे कि सारी एप्स एक साथ यस क्लियर सर करने का भी ऑप्शन होता है उसमें, मोबाइल में, तो रैम को वो क्लियर करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रन टाइम मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी, कि ये जैसे ही हम लोग ने बंद किया वैसे सब मिट गया, उसमें कोई भी डेटा इस तरह का स्टोर करके नहीं रखेगा, ठीक है। दोबारा चलाना होगा तो नए सिरे से चलाता है, ठीक। यस सर ये मेजर चीज है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस भी ऐसे आ गए हैं कि जैसे आपको उसी जगह से चला देता है, ठीक है। वो इतना हल्का सा डेटा स्टोर करके रखता है, वो भी एक मेमोरी है, मैं बताऊंगा उसको, वो भी एक तरह की रैम होती है। लेकिन जो मेजरली हम लोग जानते हैं रैम के बारे में, वो यही जानते हैं कि वो रिटेल मेमोरी होती है, रन टाइम मेमोरी होती है। जब तक टास्क हमारा परफॉर्म होगा तब तक वो चलेगी, और जैसे पावर ऑफ हुआ या हमने ऐप बंद की वैसे ही सब चला गया, ठीक। तो ये अच्छी बात भी, आपका माइंड भी इसी तरह का होना चाहिए, कुछ चीजों के लिए इसी तरह का माइंड होना चाहिए कि यस इतना अगर स्टोर करके रखते रहोगे ना तो हैंग करने लगेगा, तो बहुत सारी चीजें याद करके नहीं रखनी चाहिए, ठीक। आप भी तो क्या करते हो, पढ़ते हो, बोलते रहते हो ना। फिलहाल मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं यस जो तुम लोग को पढ़ा रहा हूँगा मैं अभी याद रखता हूँ, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, फिर दोबारा रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन इसीलिए तो जरूरी होता है क्योंकि आपके दिमाग से सब कुछ निकल चुका होता है। अब हल्का हल्का मेमोरी पड़ी रहती है तो आपको बस इतना सपोर्ट करती है कि वो दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल भूलते भी रहना चाहिए वरना आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। तो लॉकडाउन है, में ऐसी ही हो गई है, अच्छा लॉकडाउन में ऐसी स्थिति लॉकडाउन हो में गई हमारी है, मेमोरी ऐसी ही हो गई है। ऐसा क्यों? सर रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, वो तो मैं मानता हूँ, मैं खुद ही, मैं मुझे याद नहीं रहता चीजें। हर चीज सामने रहती है, अब उतना वो नहीं रह गया कि मतलब देखो मैं अगर ये बोलूं कि अरे तुम लोगों को याद क्यों नहीं है, याद क्यों नहीं है, मैं फालतू का दिखाऊं कि मैं टीचर हूं, तो मुझे भी तो याद नहीं रहती चीजें। वो किसी के साथ भी होता है, वो इंसान का नेचर होता है, किसी का ज्यादा भूलने का होता है, किसी का कम भूलने का होता है, ठीक है। तो लोग यस भूलते रहते हैं, बट ये है कि जिस समय आप कंसेप्ट पढ़ते हो उस समय अगर अच्छे से पढ़ लो तो वो चीजें हमेशा बनी रहती हैं। कि जब भी देखो, आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं होगा, एग्जैक्ट डेफिनेशंस याद नहीं होंगी, लेकिन ये याद, जैसे आप पढ़ोगे आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी, और ये तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि ये कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट भी भूल जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन दोबारा रिकॉल यस भी कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही रहता है, वो मेजर पोर्शन यस नहीं पढ़ा रहता, छोटा सा पोर्शन पढ़ा रहता है बस रिकॉल करने भर का। तो ये डायग्राम मुझे थोड़े नहीं याद रहेंगे, मैं कुछ समय बाद ये भी भूल जाऊंगा कि एनमॉस कैसे बनाते हैं या सीमॉस इन्वर्टर कैसे बनाते हैं, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं तभी सही पढ़ा सकता हूँ जब मेरे सामने कोई ना कोई नोट्स होंगे। मैं उन टीचर्स की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, वो बहुत महान है जो IITians होते हैं, कि जो इनको याद रहता है, फिलहाल वो पढ़ाते भी एक ही सब्जेक्ट है, तो वो उनको लंबे समय तक जब पढ़ाते रहते हैं तो 6-7 साल के बाद वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। हमारे एक टीचर थे NIT में, तो वो आते थे, वो कोई भी नोट्स लेके नहीं आते थे, वो और एक एक चीज़ उनको ऐसी याद थी, कुछ की मेमोरीज मेमोरी होती भी है इस तरह की। तो उन्होंने कई सालों से पढ़ाया भी था वही सब्जेक्ट सेम, 15 साल से अगर पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेशन भी याद हो जाती हैं। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता था, ठीक है, वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उनको याद हो जाता है। वैसे आपके साथ भी होगा, कुछ चीज़ें तो आपको याद ही रहती हैं, जैसे ABCD क्या भूलते हो गया, नो सर क्योंकि नो ABCD आपने उस समय पढ़ा था जब आपके पास बहुत सारा काम नहीं था पढ़ने का, सिर्फ ABCD पढ़ना था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे दुनियादारी में आते हैं बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती हैं, और आप इस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपके दिमाग में बहुत सारे टास्क चल रहे हैं एक साथ, तब आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आप ज्यादा याद नहीं रख पाओगे, लेकिन फिर भी रिकॉल करते रहा करो, रिविजन करते रहा करो, तो ये दिमाग में बनता रहेगा, ठीक है। कभी कभी नोट्स जब मैं बोलता हूँ ना, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं भी समझ रहा हूँ कि इतना
टाइम नहीं होता, लेकिन जो भी नोट्स भेजूंगा वो एक बार, बस एक बार पढ़ के देख लेना, यही जो बनाता रहता हूँ तो उससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है? रिकॉल करने भर का इतना बहुत होता है। तो चलो प्रवचन में चले गए, फिर से वापस आते हैं। तो रैम के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग कि रैम इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज टू प्रोग्राम एंड सॉरी स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। तो हम इससे प्रोग्राम भी हम मतलब टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे अभी कोई भी टास्क आपका परफॉर्म हो रहा है तो उसमें प्रोग्राम मेमोरी से भी कुछ उठाएगा, कुछ डेटा भी उठाएगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्योंकि डेटा सर पर ही प्रोग्राम उठाएगा करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है डेटा को भी उठाना है और साथ में प्रोग्राम को भी उठाना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर्टिकुलर ऐप की उनको भी उठाना पड़ेगा उसको। तो रैम में ही दोनों चीज़ें स्टोर होती हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर रिफ्रेश हो जाती है। फिर ड्यूरिंग द रन टाइम ऑल द एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स मेक द यूज ऑफ रैम, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि रन टाइम पे हम उसका यूज करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। रैम इज वोलेटाइल विच मीन्स द डेटा स्टोर्ड वैनिशेस व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे आप पावर, अब इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे हमने वर्ड की कोई फाइल बनाई, ठीक है? आप आपके में आप लैपटॉप पे बना रहे हैं और आपकी आपके जो बैटरी है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्ड पे बना रहे हैं, कुछ चीजें हमने लिखी है, ठीक है? एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद सेव नहीं किया आपने, तो क्या होता है वो वैनिश हो जाता। क्यों? क्योंकि वो सारा जो भी अभी स्टोर हो रहा है रन टाइम में वो रैम में स्टोर होता है। जब आप सेव करते हैं तो सेव का बटन दबाने से क्या होता है, वो सीधे आपकी मेमोरी लोकेशन जो भी आपने निर्धारित कर रखी है उसमें जाके सेव हो जाता है, ठीक है? तो कंट्रोल एस करने से वो सेव हो जाएगा, लेकिन तब तक वो रैम में ही काम करता रहेगा, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाता है कि इसको सेव करना है या नहीं करना है, तो वो रैम में ही रखता है इसको, ठीक है? इसीलिए एक हैबिट बताते हैं कि आप लोग जो भी है उसको सेव करते रहिए, बाद में आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम गया तो रैम में जितना भी डेटा स्टोर है वो सारा चला जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है इसका, ठीक? अब आते हैं, इसकी दो मेजर कैटेगरीज होती हैं रैम की, एक होती है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम, ठीक है? हम दोनों चीजें देखेंगे कि एस रैम में क्या होता है और डी रैम में क्या होता है। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें हमने ये क्या पोर्शन बनाया है, ये है बाईस्टेबल एलिमेंट। बाईस्टेबल एलिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दो हमारे पास स्टेबल स्टेट्स होती हैं, उसको बोलते हैं 0 और 1, ठीक है? इस तरह का हम पहले स्ट्रक्चर देख चुके हैं लैच। लैच भी क्या होती है, बाईस्टेबल एलिमेंट होता है, ठीक है? एलिमेंट होता है फिर लैच में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमने उसको फ्लिप फ्लॉप पे स्विच किया, ठीक है? फिलहाल हम यहाँ पर लैच यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिक एलिमेंट होता है जो किसी भी डेटा को 1 बिट को स्टोर करके रख सकता है, ठीक? अब हमने ऐसा बनाया है कि एक इन्वर्टर के आउटपुट से दूसरे के इनपुट को कनेक्ट कर दिया है, तो वो पर्टिकुलर, अब यहाँ दो लाइन्स हमने बनाई है, देखिए ये दोनों लाइन क्या है, बिट लाइन है, ठीक है? यहां से एक बिट लाइन डेटा के लिए ये भी है और डेटा के लिए ये भी है, डेटा राइट या फिर रीड करने के लिए दोनों ही हम लोग लाइन यूज करते हैं। अब देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया लैच, ये हो गई बिट लाइन, ठीक है? और बिट लाइन किससे कनेक्टेड है, एनमॉस से। दो एनमॉस हमने यहाँ पर रखे हैं, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा एनमॉस का कितना मतलब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये क्या हो रहा है, अब दोनों को मैंने, दोनों के गेट को कहाँ से कनेक्ट किया, वर्ड लाइन से, ठीक है? और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस रैम सेल। अब सेल क्या है, ये जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने दिखाया था ना आपको कि ये इस तरह का एक टेबल बना था जिसमें ये लोकेशन थी, एक दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, चौथी और पांचवी, 5 एड्रेसेस हैं और हर एक एड्रेस पे 5 बिट स्टोर्ड है, ठीक है? और जितनी भी एक लोकेशन पे बिट्स स्टोर्ड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना? यस सर तो ये हो गया एक वर्ड, 5 बिट का वर्ड हो गया, और इस पर्टिकुलर एक को हम सेल बोल देते हैं जो 1 बिट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है?
और ये जो लाइंस दिखाई गई हैं, यही जो सेल से लाइन निकली होती है ना, इनको बोलते हैं बिट लाइन। ठीक है? ओके हाँ, अब यहाँ पर दोनों में से हम किसी एक को यूज करते हैं, या तो वन को यूज करेंगे, मतलब डेटा हमारा जो आता है वन आता है या फिर जीरो आता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एक्टिव लो या फिर एक्टिव हाई, हम कैसा सिग्नल लेने ले रहे हैं। ठीक है, कैसा डेटा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम बिट लाइन से ले रहे हैं या बिट लाइन कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं। ठीक, तो उस पर मत जाइए। अब देखिए सर। ऑपरेशन समझिए कि अगर मुझे कोई भी एक सेल चूज करनी है, जैसे ये सेल चूज करनी है, ठीक, तो मैंने क्या किया, मुझे पहले इस वर्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा पूरे को, क्योंकि ये एक लोकेशन है। तो एक लोकेशन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ड लाइन को पर एक इनपुट देना पड़ेगा जो कि कितना होगा, वन। क्योंकि जीरो देंगे तो देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास जीरो होता है तो ये एनमॉस के गेट पे गया, ये जीरो एनमॉस के गेट पे गया। एनमॉस के गेट पे, एनमॉस को एक्टिवेट करने के लिए एनमॉस की गेट पे कितना डेटा की जरूरत होती है, वन या फिर जीरो, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। हाई हाई वोल्टेज हाई की जरूरत होती वोल्टेज। है, तो हमने वर्ड लाइन पे वन दे दिया, वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज यहाँ पर जी पे भी दिया, इसके जी पे भी दिया, तो दोनों क्या हो गए, ऑन स्टेट में आ गए, मतलब एक्टिव रीजन में आ गए, तो ऑन स्टेट में आ गए दोनों। और ऑन स्टेट में कैसे बिहेव करते हैं ये, एज अ शॉर्ट सर्किट, इधर भी शॉर्ट सर्किट इधर भी शॉर्ट सर्किट। तो अब क्या हुआ, ये जो बिट लाइन है किससे कनेक्ट हो गई, इस लैच से, और ये बिट लाइन कॉम्प्लीमेंट भी इससे लैच से कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो दोनों लाइंस अगर कनेक्ट हो गई हैं, पहले हमने वर्ड लाइन को एक्टिवेट किया, उसकी वजह से ये पाथ हमें मिल गया। अब ये बिट लाइन पे, अब हमारा डेटा जो है बिट लाइन से हम लोग फेच कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में आया, समझ गया? हाँ, अब देखो यहाँ लिखा भी मैंने वही है, बिट लाइन रिप्रेजेंट्स द डेटा स्टोर्ड इन ईच सेल। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू एक्सेस अ सेल वी नीड टू एक्सेस द कंप्लीट रो और वर्ड लाइन, एंड दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट वर्ड लाइन, यहाँ लिख दिया मैंने, रुको इसको मिटा देता हूँ। ठीक, कंप्लीट वर्ड होगा, ठीक है, कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट वर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्ड लाइन। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि वर्ड लाइन को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। वर्ड लाइन पे हमने एक इनपुट दिया वन, जिसकी वजह से हम यहाँ पाथ क्रिएट हो गया और हम बिट लाइन से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हमारा कहाँ स्टोर्ड है, लैच में स्टोर्ड है या लैच में ही स्टोर करना है। ठीक है, व्हेन वर्ड लाइन इज हाई एंड मोस्ट ट्रांजिस्टर्स गेट शॉर्ट सर्किटेड सो वी कैन एक्सेस द लैच। ठीक है, मेजर हमारा, मतलब मेन हमारा काम क्या था, जो लैच था उसको एक्सेस करना था, क्योंकि डेटा हमारा वहीं पर स्टोर्ड है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम गेट दिखा रहे हैं, ठीक है, या तो गेट के फॉर्म में ले रहे हैं ना, या फिलहाल यहाँ तो हमने ट्रांजिस्टर लगाया, लेकिन क्योंकि सिंगल चिप पे बनेगा तो हमें, हम गेट कहीं और से नहीं ले सकते, हमें इसी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हम मॉस डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और एक और हम एस रैम बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वही ऊपर वाला रहेगा, बट उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अब सी मॉस से बना लेते हैं। ठीक है, सी मॉस और एन मॉस के कॉम्बिनेशन से, तो डायग्राम भी ड्रॉ करते रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सी मॉस बना लेते हैं।
और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो भी आपने मॉस्फेट वगैरह देखे हैं ना, उनसे लॉजिक गेट बनाना, उसकी प्रैक्टिस जरूर जी करिएगा, सर, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, कोई भी डायग्राम दे देगा या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, उसके लिए आपको, जैसे ऑब्जेक्टिव की बात बता रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा बेटा। ओके सर, बहुत इजी चीज है, कोई टफ नहीं है। ओके सर, पुराने डायग्राम जैसे दिख रहा होगा, ये हो गई हमारी वर्ड लाइन जो कि गेट से कनेक्टेड है। ये बिट लाइंस हो गई, उसी से पहले लिख लेते हैं आप VDD। अब ऊपर क्या होता है हमारा, पी मॉस होता है, इसमें एरो हमारा इस तरह बना होता है, ठीक है। इसका एरो किधर बना होगा, नीचे की तरफ, ये हो गया बेस लाइन, सॉरी बिट लाइन, यस सर, ये बिट लाइन कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वर्ड लाइन। अब कुछ कनेक्शंस दे देते हैं। देखो अभी क्या हुआ, मैंने ऊपर एक ये बनाया, एक इन्वर्टर दिख रहा है, और एक ये इन्वर्टर दिखा बनाया। इसका एक आउटपुट जो भी आएगा वो क्या होगा, इन्वर्टर का आउटपुट होगा। तो मुझे उसको उसको किसके साथ जोड़ना है, जो भी एक का आउटपुट होता है उसको दूसरे के इनपुट के साथ, ठीक है। मतलब दोनों में ही ऐसा हम लोग करते हैं, एक इन्वर्टर का आउटपुट दूसरे इन्वर्टर के इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये जो लेफ्ट वाला है, इसका आउटपुट कहाँ निकल रहा है, ये, और इसको मैं क्या करना पड़ेगा, इनपुट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। है ना, यस सर, तो इसको मैं लेकर जाऊंगा, देखो ये किसका आउटपुट है, ठीक, और इसको मुझे लेके जाना है इनपुट पे, तो ये लेके गए, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और यस सर, इस वाले को
यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, उस दोनों से मतलब ना कनेक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ इसका आउटपुट था और ये इसके इनपुट के साथ कनेक्ट हो गया, और इसका जो आउटपुट था वो इसके इनपुट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक। तो वैसे जो ऊपर स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे यहाँ पे, तो यही हमने बनाया है, और बाकी जो पाथ है ये अभी भी इस पे डिपेंड कर रहा है, एनमॉस पे, ठीक है। तो यहाँ पे यस ये सर, कनेक्टेड है इससे, और बस हमें इसको एक्टिवेट करना है, इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है, और सारा काम हमारा हो जाएगा। ये इन्वर्टर तो आपको पता ही है कि इन्वर्टर तो वैसे काम करेगा ही, यस क्योंकि सर, हमने डायरेक्टली स्ट्रक्चर डाल दिया है, हमें इसका ऑपरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ना ही इसका ऑपरेशन देखने की जरूरत है, ये दोनों तो अपना आपस में काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये इनका ऑपरेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एज ए इन्वर्टर काम करेंगे ही करेंगे, बट हमें देखना पड़ेगा बस कि ये हमारा एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से ऑन हो जाए, ठीक है, ये दोनों, और जो भी डेटा यहाँ पे मौजूद है वो कहाँ मिल जाए, हमें बिट लाइन पे मिल जाए। तो चीज वही है जो हमने ऊपर बनाई है, ऑपरेशन भी वही है जो हमने बनाया है, ठीक। बट हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से बना दिया कि सारा एक ही सिंगल चिप पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यस सर, हम एनमॉस भी उसी पे बना सकते हैं, पीमॉस भी उसी पे बना सकते हैं, तो हमने वही किया, कुछ हमने एनमॉस बनाए हैं, कुछ हमने पीमॉस बनाए हैं, और एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो हमारा सीमॉस बन गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सिक्स टी, सिक्स ट्रांजिस्टर एस रैम सेल, ठीक है। छह ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, चार हैं एनमॉस और दो पीमॉस, तो ये क्या बन गया हमारा, एक 6TS रैम सेल, इसका नाम हम लोग यहाँ देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ऑपरेशन तो बता ही सकते हैं आप लोग, यस सर, ठीक है, जो भी ऑपरेशन ऊपर वाले का है वही ऑपरेशन इसका भी होगा, तो आप वहां पर लिख दीजिएगा कि ये सीमॉस, ये हमारा एक लिख देते हैं हम यहाँ पे,